और बड़ी खबर आई हमास की सुरंगों में पानी से भरने से जुड़ी। इसराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया। इसराइल पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी में था। उसके मुताबिक हमास के लड़ाकों को पकड़ने और उनके कब्जे से बंधकों को छुड़ाने का अब यही रास्ता बचा है, क्योंकि सुरंगों में पानी भरते ही हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना ही पड़ेगा और तब इसराइल की सेना उन्हें आसानी से पकड़ सकती है। इसराइल को उम्मीद है कि इससे वो बंधकों को भी छुड़ा लेगा जो करीब 2 महीने से हमास के कब्जे में। इसराइल की सेना पहले ही यह दावा कर चुकी है कि उत्तरी गाजा पर पूरी तरह से उसका कंट्रोल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो हमास के लड़ाकों और बंधकों से दूर है और इसीलिए उसने अब हमास की सुरंगों में पानी भरना शुरू कर दिया। इसराइल की सेना ने सुरंगों में कई पंप के जरिए पानी भरने के वीडियो भी जारी किए। उनमें एक वीडियो में इसराइल की सेना भूमध्य सागर का पानी सुरंगों में डालती नजर आई। जैसे ही उन पंप को खोला गया, हजारों लीटर पानी तेजी से हमास की सुरंगों में भरने लगा। दावा है कि जल्द ही हमास की सुरंगें पानी से भर जाएंगी और तब मजबूरी में हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़ेगा। इसराइल को उम्मीद है कि हमास के लड़ाके उन सुरंगों से अकेले बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि उनके साथ वो बंधक भी होंगे जो करीब 2 महीने से उनके कब्जे में है। यानी हमास की सुरंगों में पानी भरकर इसराइल उनके छिपने की आखिरी कोशिश भी खत्म कर देगा। इसराइल का मानना है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके अब भी उत्तरी गाजा में मौजूद सुरंगों में छिपे हो सकते हैं। हालांकि इसराइल पिछले कई दिनों से उत्तरी गाजा में सैन्य ऑपरेशन चला रहा है। वो उत्तरी गाजा पर कंट्रोल का दावा भी कर चुका है, लेकिन चारों तरफ इसराइल के सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद हमास के लड़ाकों और बंधकों की जानकारी उसके पास नहीं है।